अतिथि देवो भव। नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी खाना अकेले नहीं खाते, कोई न कोई आगंतुक उनके साथ अवश्य बैठता है। बड़ा चाहे मैं उतना न हूं, पर इसका नाज मुझे भी है कि मैंने अकेले कब खाना खाया यह याद नहीं। एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरे आधमकते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरे ऊपर लोगों की इतनी कृपा है। बचपन से सुनता आया, बुद्धि होने पर पढ़ा भी कि अतिथि देवो भव। पुराणों में कई कहानियां मिली जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है। लोगों में अतिथियों के स्वागत सत्कार में अपने हाथ से अपने पुत्र तक का वध करने में संकोच नहीं किया। राजा मोरध्वज का यश आज भी अक्षुण्य है। जब अतिथि को देवता ही मान लिया तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या रहा। मैंने अतिथि शब्द के समानांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है, असमय। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि न हो, अर्थात आने का दिन निश्चित न हो, मतलब कि जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात टपक पड़े। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ कीजिए कि जिसका समय न हो, जो जब चाहे आ जाए और आने में ही नहीं जाने में भी असमय हो। तात्पर्य कि कब तक ठहरेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं अतिथियों से नहीं घबराता, पर असमय से जरूर कांपता हूं। कारण कि मैं कामकाजी आदमी हूं। इस युग में कौन कामकाजी नहीं है, जिसको देखिए वही व्यस्त। व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। आजकल बड़प्पन दिखाने के जो कई साधन हैं, उनमें एक यह भी कहना कि क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। न मान लीजिए तो वह कभी हाथ न लगे। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो कोई स्वभावतः हृदय शंकाकुल हो उठता है। अतिथि देव आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं, किंतु असमय तो जान खा जाते हैं। यों आजकल अन्न भी कुछ कम महंगा नहीं है, पर जान तो इससे अधिक महंगी है ही। कभी कभी दोनों का जब समन्वय हो जाता है तब तो कुछ पूछिए ही नहीं, अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा। पहले अतिथि देव छठे छमासे कृपा करते थे, क्योंकि यातायात के साधन इतने समुन्नत और सुलभ न थे। दुनिया बहुत बड़ी थी, खाद्यान्न की कमी न थी, 10 बजे काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी। कृत्रिमता और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बने थे। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं रहता था। आसमान की तरह जीवन भी खुला था, पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था। अतः अतिथि देव का आना आनंद का मूल था। आज तो स्वयं खाने के लाले पड़े हैं, फिर अतिथि देव को क्या भोग लगाएं? जब अपने सोने के लिए ही जगह पर्याप्त नहीं तो उनके लिए कहां बिस्तर बिछाएं? जब अपने प्रियजनों के बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं है तो उनके साथ संलाप का 1 घंटा कहां से निकालें? मगर यह लाचारी आप तक रही। यह सब होते हुए भी अतिथि देव आते हैं, आते रहेंगे, और आपको भाव कुभाव अनख आलसहु उनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा ही। आपको छोड़कर आखिर वे जाएं भी कहां? आपसे बढ़कर उनका कोई आत्मीय हो भी तो? अभी हाल में मेरे यहां एक अतिथि देव पधारे। पधारने के पहले उन्होंने पत्र लिखा कि मुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, अतः मिलने की बड़ी उत्कंठा है। यों गौण रूप से मेरा छोटा मोटा दूसरा काम भी है।
पर अब काम गौण था या मैं, यह आपसे क्या कहने की जरूरत है। पर चाहे जैसे भी हो, उन्होंने मुझे याद किया, इसके लिए मैं उनका अनुग्रहित अवश्य हूं। अपने अतिथियों की वैयक्तिक विशेषताओं का वर्णन करूं तो महाभारत की संख्या 1 से 2 हो जाएगी, और वेद व्यास का यह दावा कि महाभारत के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकेगा खंडित हो जाएगा। महर्षि के वचन की मर्यादा भग्न करना नहीं चाहता, पर इतना तो कह ही दूं कि अतिथि भी 1 से 1 आते हैं। एक मेरे नियमित अतिथि हैं। नियमित इसलिए हैं कि उन्होंने मुझे अपना शाश्वत कृपा पात्र बना रखा है। उनकी कई खूबियां हैं, 1 से 1 मजेदार, 1 से 1 पुरलुफ्त, खासकर भोजन के मामले में बहुत ही सावधान। उदाहरणार्थ, दाल में पानी का अंश उन्हें असह्य है, लेकिन उतनी गाढ़ी दाल तो गले के नीचे उतर नहीं सकती, इसीलिए उसे ढीला करने के लिए कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए, और मेरे घर में घी का चलन वर्षों से बंद है। कुछ इसलिए नहीं कि मुझे घी पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं यह जान चुका हूं कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया। भगवान ने आंखें दी हैं देखने को, और बुद्धि दी है समझने को। इनके रहते मैं अंधा बनूं, यह मुझे स्वीकार नहीं। अतः जब कोई यह कहता है कि वह बाजार से खरीदकर शुद्ध घी खाता है, तो पहुंचे हुए संत की तरह मैं केवल चुप रह जाता हूं, या कभी हल्के से मुस्कुरा देता हूं। अब मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूं, वह है प्रत्यक्ष। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए ही उपयोगी हैं। पत्नी बीमार है। नौकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर गया। 3 महीने हो गए, नया नौकर नहीं रख सकता, क्योंकि जानबूझकर घर में चोर कौन बुलाए। इसलिए जब तक वह नहीं आता, तब तक स्वयं सेवक बनकर रहना है। महीने का अंतिम सप्ताह है, ऐसे शुभ अवसर पर पधारते हैं अतिथि देव। क्या खाऊं, क्या ले जाऊं परदेश? पर नहीं खिलाऊंगा, सत्कार नहीं करूंगा, क्या यह संभव है? और मैंने जो कहा, क्या वह मुझ पर भी उतना ही लागू नहीं है? आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता हूं।